हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्नो अरमान। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फेसबुक के एक नए फीचर फेसबुक रूम के बारे में। दोस्तों, फेसबुक पे आप अगर आजकल फेसबुक यूज कर रहे होंगे तो यहाँ पे आप एक फीचर देख रहे होंगे, आपका फीचर आ रहा है फेसबुक रूम। फेसबुक रूम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्रिएट रूम और यहाँ पे रूम देखने को मिल रहा है। ये फीचर क्या है, इसको कैसे यूज करना है और कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है, इसके सारे जानकारी आज के इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए इस वीडियो करते हैं शुरू एंड जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, फेसबुक ने हाल ही में ये फीचर लॉन्च किया है, फीचर अपडेट किया है, इसका नाम है फेसबुक रूम, इसको बोल सकते हैं। दोस्तों, ये एक्चुअली फीचर है क्या, जैसे आप दोस्तों एक रूम में बैठ के 20-30 लोग एक साथ बात कर सकते हैं, कोई भी चीज़ को कर सकते हैं, सेम चीज़ ये यहाँ पे भी दिया है। जैसे कि बहुत सारे एप्लीकेशन भी आया है, जैसे जूम आया है, जियो मीट आया है, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बातें वगैरह होती है, बहुत सारा लोग कर सकते हैं एक साथ, वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। अगर दोस्तों इस रूम पे आप क्लिक करिएगा तो यहाँ से देगा कि आप कुछ बहुत सारे लोगों को ऐड करके एक साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात कर सकते हैं। कहने का मतलब ये आपका एक माहौल बना देगा जिसमें बहुत सारा लोग एक साथ ज्वाइनिंग करके वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बहुत सारी बातें कर सकते हैं। अब इसको यूज कैसे करना है वो आपको समझ आता हूँ। सबसे पहले यहाँ प्लस रूम यह दिख रहा है, यहाँ पर क्रिएट रूम दिख रहा है, यू कैन क्लिक एनी वेयर। मैं यहाँ पे क्रिएट रूम पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से सिंपल सबसे पहले ऑप्शन है रूम एक्टिविटी। आप ये जो रूम बना रहे हैं इसका मकसद क्या है, इसमें करना क्या चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे को यहाँ पे करना है जैसे कि ट्राइंग रूम को अगर आप ट्राई करें तो यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से एक नया चीज़ कर दे रहा हूँ प्लस पे ऐड करके, लेट मी मैं ये चीज़ ऐड करके नेक्स्ट कर ले रहा हूँ। यहाँ से रूम के एक्टिविटी नेम दे रहा हूँ, मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे मीटिंग। यहाँ पे मीटिंग डाल दिया, उसके बाद यहाँ पे सिंपली सेव करता हूँ। उसके बाद देखिए रूम जो है वो मीटिंग के लिए स्पेशली बना गया है। उसके बाद है हु इज इनवाइटेड, मतलब कौन कौन इनवाइट हुआ है। यहाँ से मैं अगर आप फ्रेंड्स पे क्लिक करके करते हैं सेव तो जितने आपके फेसबुक फ्रेंड है सब ऐड हो जाएंगे। मैं यहाँ पे अगर कुछ खास लोग को ऐड करना चाहता हूँ तो मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे स्पेसिफिक फ्रेंड पे और यहाँ से मैं कुछ फ्रेंड को ऐड कर दूंगा। उसके बाद यहाँ से सिंपली इनवाइट टू पे क्लिक करना है आपको। देखिए ये दोनों लोग इनवाइट हो जाएंगे, उसके बाद उन लोगों के पास एक मैसेज गया होगा, उससे ये ज्वाइन हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ है स्टार्ट टाइम, ये जो मीटिंग मैंने रखा है ये कब स्टार्ट होने वाला है। मैं इसको शेड्यूल भी कर सकता हूँ, यहाँ से जब का चाहूँ तब शेड्यूल कर सकता हूँ। जैसे कि मेरे को ये मीटिंग 4 अगस्त को करना है, उसके बाद ओके करूँगा मैं यहाँ से। उसके बाद आई कैन सेलेक्ट टाइम, टाइम कब से होने वाला है, 8 बज के मैं मान लीजिए मेरे को करना है मैं यहाँ से 35 कर दे रहा हूँ और ये 8:35 में मेरा करना है ओके, तो फिर यहाँ से ओके करूँगा। उसके बाद यहाँ से सेव करूँगा, उसके बाद यहाँ से मैं नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद ये देख लीजिए यहाँ से एक लिंक जनरेट हुआ है, आप इस लिंक को भी शेयर कर सकते हैं। ये रूम 8:35 का शेड्यूल हो चुका है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन अभी दिख रहा है, यहाँ से है इनवाइट, अगर इस पर क्लिक करते हैं तो आप और लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। इसे मेरे को यहाँ पे सेंड करना है, इन्हें भी इनवाइट हो गए हैं। उसके बाद ये आपका रूम यहाँ पे शेड्यूल हो चुका है, जैसे ही आपका टाइम होगा 8:35 देखिए यहाँ पे मीटिंग आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। इन केस आपको ये मीटिंग कैंसिल करना है तो आप यहीं से एंड रूम पे क्लिक करिएगा, या कुछ एडिट करना है तो एडिट पे क्लिक करके शेयर वगैरह जो करना है कर सकते हैं। मैं यहाँ से एंड रूम पे क्लिक करूँगा और मेरा मीटिंग जो है वो कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ से ये मीटिंग कैंसिल हो गया है, फिर से क्रिएट करने को बोल रहा है। यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर आपको कोई मान लीजिए कोई आपका फ्रेंड व्हाट्सअप पे है उसको इनवाइट करना चाहते हैं या व्हाट्सअप से आप मीटिंग ज्वाइन करवाना चाहते हैं तो आपको सिंपली व्हाट्सअप में आना है, यहाँ से ये अटैच वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा तो आप यहाँ से भी रूम का बना सकते हैं। देखिए कंटिन्यू मैसेंजर टू क्रिएट ए रूम, यहाँ से आप मैसेंजर पर भी रूम बना सकते हैं। देखिए सेम प्रोसेस आ गया, क्रिएट ए रूम, उसके बाद सेंड लिंक ऑन व्हाट्सअप, इसके लिंक जो है व्हाट्सअप पर आप सेंड कर सकते हैं किसी को भी। देखिए ये लिंक, अब इस पर क्लिक करके वो बंदा ज्वाइन हो सकता है यहाँ से। एक चीज़ देखने को मिला है, नो अकाउंट नीडेड, अगर आपके फेसबुक अकाउंट नहीं है फिर भी ये बोल रहा है कि ज्वाइन हो सकते हैं, इसको अभी ट्राई करके देखना पड़ेगा क्या ये वर्क करता है या नहीं। तो दोस्तों यही था एक पूरा फुल ट्यूटोरियल फेसबुक रूम के बारे में, यहाँ से आप रूम बना सकते हैं। उसके बाद इसके साइड में कुछ ऑप्शन दिया है, देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिया है, आप इस क्रिएट रूम के पे आते हैं तो यहाँ पे नीचे कुछ ऑप्शन दिया है। अगर इन लोग को कुछ मैसेज वगैरह भेजना है हाय वगैरह क्रिएट रूम करके या मैसेंजर के जरिए तो यू कैन सेंड हेयर,
हाँ से आप इसको भी भेज सकते हैं। तो दोस्तों यही था एक ट्यूटोरियल फेसबुक ग्रुप के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।